थाना ज्ञात क्षेत्र के छठीगया वृंदावन चौराहे पर बृहस्पतिवार सुबह 4 बजे एक परचून की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से सनसनी फैल गई। दुकान में दुकानदार का करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर ज्ञात पुलिस के साथ दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसी बीच दुकानदार की वृद्ध माँ आग के बीच फंस गई। वृद्ध माँ तीसरी मंजिल पर सो रही थी। तीसरी मंजिल पर सुरक्षा के लिए लोहे का जाल भी लगा हुआ था। ज्ञात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाल लिया, परंतु वृद्ध माँ वहीं फंस गई, जो कि आग के धुएं से बेहोश हो गई। ज्ञात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने साइड के मकान से घुसकर लोहे का जाल तोड़कर तीसरी मंजिल पर सो रही दुकानदार की 80 वर्षीय माँ रामवती को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक दुकानदार का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि आज करीब सुबह 4 बजे छठीगया पुल के पास नीचे टी पॉइंट पर बन्नू अग्रवाल की परचून की दुकान पर आग लग गई थी और उनका परिवार भी दुकान के ऊपर ही रहता था। परिवार के सभी सदस्यों को निकाल लिया गया है, परंतु दुकानदार की वृद्ध माँ रामवती देवी अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल उम्र करीब लगभग 80 वर्ष मकान में अंदर फंस गई थी। माता को मेहनत व मशक्कत से थाना ज्ञात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा पड़ोस के घर से चढ़कर तीसरी मंजिल पर लोहे के जाल को तोड़कर कुशल बचा लिया गया है और उपचार के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जी करीब 5 बजे सी लगभग भाई है, और जहाँ में चूहा वगैरह आई है शॉर्ट स्कर्ट वगैरह, मतलब उस भाई के कारण आग लगी है। शायद वो तो धुआं हुआ है, कुछ पड़ोसी ने काम करने खटखटाया हो, जिसका गेट वगैरह खटखटाए, जब पता लगी हम तो सो रहे नहीं। लगभग मान के चलो 85 लाख को तो सामान हता ही होगा, पर करीब 6 लाख रुपया कैश था उसमें और लैपटॉप वगैरह जो सब खत्म, करोड़ रुपए का नुकसान बैठा हुआ। ले दे कि नहीं है, कोई घायल भी हुआ है? नहीं, घायल कोई नहीं है। अम्मा, हाँ अम्मा भैया, अम्मा अस्पताल लेंगे या सुसाब है का? नहीं, ऊपर ही थी सब, है वो दम घुटने के कारण नहीं पहुंची थी दुकान में ही, लेकिन धुआं इतना था कि मतलब निकलना मुश्किल हो रहा था वहाँ से। देखिए, आज सुबह की घटना है, लगभग 5:45 बजे 5:45 सूचना मिली थी आग लगने की। छठीगया पुल के नीचे दुकान में आग लगी है, जिस पर तत्काल जो है हमारी 2 गाड़ियां भुवनेश्वर से, वो एक गाड़ी जो है वृंदावन से, 3 गाड़ी कुल मौके पे आई। और नीचे मालूम हुआ कि ये बनवारी सेठ की दुकान थी, किराने की परचून की, ग्राउंड फ्लोर की दुकान थी और ऊपर जो है इनका आवासीय परिसर था, जिसमें आग बुझाने के साथ इसे मालूम हुआ कि यहाँ पर इनकी माँ जो है रामवती देवी, इनकी माता जी जो है जो वृद्ध थी, उम्र लगभग 60 साल के ऊपर है, तो वो उसमें आग में फंसी हुई थी। पहला प्रयास हुआ कि आग बुझाने के साथ साथ तुरंत ये हुआ कि उनको बचाने का पूरा प्रयास हुआ, जिसमें तत्काल जो है लेडर लगा करके और JCB से नीचे की तरफ रास्ता बना करके लेडर लगा करके साइड से हमारा फायरमैन BSH पहन करके चढ़े हैं और बड़े ही जान जोखिम में डाल करके उनको माता जी को जो है बाहर निकाले हैं। माता जी उनकी जब बाहर निकली जीवित अवस्था में थी, उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया है। आग पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है, थोड़ी बहुत बची है, अभी बुझाई जा रही है, बुझ जाएगी पूरी तरह से। अच्छी बात यह रही कि जीवन को बचाने का पूरा प्रयास फायर सर्विस ने किया है, हमारे कर्मचारियों ने किया है, बड़ा रिस्की काम था, बहरहाल उनको बचा करके अस्पताल भेज दिया गया है। ये ऑपरेशन में पर 5 बजे घटना है, तुरंत गाड़ी आई है, लगभग अभी काम चल रहा है, बस आग बुझ चुकी है। मान चलिए कि ये सवा घंटा 1.5 घंटा के आसपास पूरा अग्निशमन कार्य में। सर, मेरा नाम फायरमैन नीरज अरोड़ा। जो अंदर आप भेजे, किस तरह से भेजे आप अंदर? सर, हमारे FSO महोदय द्वारा हमें आदेश दिया गया कि हमें BSH पहनना है और अंदर जाकर एक हमारे महिला फंसी हुई है जिनका हमें रेस्क्यू करना है, तो FSO साहब के आदेश अनुसार हमने BSH पहना और हम जीने के से ऊपर चढ़कर गए और छत पे से हमने जाकर फिर अंदर गए और हमने देखा कि अंदर पहली मंजिल में दूसरे कमरे में धुएं में एक वृद्ध महिला थी जो बेहोश पड़ी थी। उनका हमने सर उन्हें उठाकर वहाँ से लाए और उसका सही सलामत रेस्क्यू किया, उनकी सांसें उस टाइम चल रही थी और उन्हें बाहर निकाला गया सर। सब कुशल।